नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, एग्ज़ाम कमिंग सून है। कब होने के चांसेस है एग्ज़ाम के, पूरा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको इसमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अब आप पेपर वन पेपर टू का इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पीडीएफ कंप्लीट नोट ले सकते हैं। पेपर वन की बात करें, इसमें आपको मिलेगा 599 में पूरा पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे, पूरा यूनिट 1 to 10 थ्योरी नोट्स, साथ में प्रैक्टिस सेट, प्रिपरेशन क्वेश्चन। और ऐसे ही पेपर टू अगर आपका है वो मिलेगा आपको 999 में। ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो ये ऑफर वैलिड है ओनली 9 जून 2021 तक। तो जल्दी करिए, आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। या आप डायरेक्टली इंस्टा मोजो के हमारे डिजिटल स्टोर से भी इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो देखिए, सबसे बड़े फैक्ट आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो कोरोना वायरस की वजह से वो आगे हो गया था। क्योंकि देखिए, 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एक्सटेंड होने का कारण यही था कि कोरोना वायरस बहुत एकदम से फैल गया। अब देखिए, एग्ज़ाम होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जो है कोरोना वायरस है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ होता जा रहा है। यानी कि जब इंक्रीज़ था तो डेट आगे बढ़ाई गई, अब देखिए डिक्रीज़ होगा तो इसकी जल्द से जल्द डेट आ जाएगी। अब देखिए, 2020 में जब देखिए डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, तब क्या था, सितंबर में एग्ज़ाम हो गया। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है देखिए, वो सितंबर की बजाय जुलाई या अगस्त में होने के चांसेस है। या तो आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है या अगस्त में होने वाला है, तो आपके पास देखिए 1 या 2 महीने, लगभग आप 2 महीने मान के चलिए, आपके पास 2 महीने हैं तो आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे केसेस कम होते जाएंगे तब से ये एग्ज़ाम जो है वो चांसेस हो जाएंगे कि जल्दी हो जाए। सो देखिए, आप ये देखिए 1 मार्च 2021 से 27 मई 2021, यानी कि देखिए इसके बीच में देखिए कोरोना का ग्राफ कितना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये फैलता फैलता यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो एवरेज डेली टेस्ट है वहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट है तो वहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि इसका जो वायरस का जो नुकसान है वो कम हो रहा है, इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए, ये 10.4% था इस वीक में, है ना। अगर देखिए पिछले वीक से, इससे पिछले वीक अगर बात करते हैं तो वो 15.4 था, लेकिन अभी 10.4 है। सो देखिए, ये कम हो रहा है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूँ, ये है इंडियन एक्सप्रेस का। अब देखिए, ये जो है वो 3 जून 2021 का है, यानी कि इसी मंथ का ये वाला। सो देखिए, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस बताते हैं कि जो कोविड-19 के हाइलाइट्स, देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट है ना, कर्नाटका की बात करें, यहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो डाउन हुआ है 11.22%। ठीक है, आप देखें यहाँ पे पूरे इंडिया में हर जगह पे अब डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाएगा। सो देखिए, उसके बाद मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे 4 जून 2021 की। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोविड-19 के केस है इंडिया में वो कंटिन्यू डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। डिक्रीज़ होने का मतलब है कि ये कम होंगे केस, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके एग्ज़ाम होने के। सो देखिए, अगर बात करें कि नए केसेस की, सो देखिए ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा केस हैं, अर्जेंटीना में ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, ये कहना है द हिंदू का। पहले मैंने आपको ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस बताया, द हिंदू का बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 6 जून 2021 का, यानी कि आज का अपडेट। तो देखिए, लेटेस्ट अपडेट है ये वाला। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो इंडिया में जो लॉकडाउन है कोविड-19 की वजह से, वहाँ पे देखिए ये लोएस्ट स्पाइक ऑफ डेली केस है 2 मंथ्स में। इनकी दो महीने में, 2 मंथ्स में देखिए लोएस्ट स्पाइक है, यानी कि कोरोना केस डिक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका जो एग्ज़ाम है वो देखिए जुलाई अगस्त में होगा, पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में हो जाएगा। पहले देखिए सितंबर में था, पिछले साल हुआ, लेकिन इस बार अगस्त में हो जाएगा। अब आपके पास 2 महीने हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा, कोई डेट आएगी, वो आपको इसमें बताया जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को फैक्ट मान के चलिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। सो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।